एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस आपको ये सुनकर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। Amazon जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, उस पर अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं, लेकिन लास्ट मंडे को Amazon ने एक आइटम पे कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्काउंट निकाल दिया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि लास्ट मंडे को Amazon ने तोशिबा के एक इन्वर्टर एसी पे जिसकी कीमत 96,700 रुपये थी उसको 94% डिस्काउंट के साथ मात्र 5,900 रुपये में लिस्ट कर दिया। जिसने इस ऑफर को देखा उसने फटाफट से इसे ग्रैब कर लिया। इनफैक्ट इस ऑफर में EMI ऑप्शन भी था, तो कई लोगों ने इस एसी को EMI ऑप्शन पे अवेल कर लिया, लेकिन बाद में पता लगा कि किसी बग की वजह से Amazon पे ये प्रोडक्ट इतने बड़े डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया था। खैर जो भी हो, लेकिन जिसने मौके पे चौका मार दिया उसकी तो चांदी हो गई। गाइस क्या आपको इसके पहले तक की इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।